हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि आज हम तीन एयर गन्स हैं 0.177 कैलिबर 4.5 mm, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड इन इंडिया। तो इन तीनों पे हम पावर टेस्ट करेंगे और तीनों एयर गन्स डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म पे काम करती हैं। जैसे कि एक जोन सी है PCP है, जो कि हमें पंप से एयर फिल करनी होती है, और दो ब्रेक बैरल हैं। जैसे ब्रेक बैरल में भी दो वेरिएंट हैं, जैसे कि एक नाइट्रो पिस्टन है और एक स्प्रिंगर है। तो दोनों पे दो दो तीन टाइप की टोटल एयर गन्स हैं हमारे पास, एक PCP, एक स्प्रिंगर और एक नाइट्रो पिस्टन। तो तीनों एयर गन्स पे हम ये बुक्स हैं, कुछ दो बुक्स लिए मैंने, इस पर मैंने मार्किंग भी की हुई है, और ये इसकी सपोर्ट के लिए पीछे एक और बुक लगाएंगे। इन बुक्स पर आज हम इनका पेनिट्रेशन का वीडियो बना रहे हैं, और इसमें कोई 416 के अराउंड इसमें पेजेस हैं। तो आगे सेटअप दिखाता हूँ मैं आपको। तो 20 से कम 25 मीटर की दूरी पे हम ये इसको बुक्स को प्लेस करेंगे और देखेंगे कि किसकी पावर ज़्यादा है इन तीनों एयरगन्स में से, PCP में से, ब्रेक बैरल जो सी दो है, नाइट्रो पिस्टन और स्प्रिंगर। और ये बुक्स हैं कुछ, ये दोनों बुक्स हमने यहाँ पे रख दिए। वो सामने हमारा टारगेट है जहाँ पे हमने बैठ, जहाँ से हम शूट करेंगे, और यहाँ पे हमने ये रख दिए, ये हमारा टारगेट लगा दिया हमने। तो जैसे कि टारगेट हमने सेट कर दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, और अब हम शूटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शॉट जो हम लगाएंगे फ्रेंड्स, वो PX-100 से करेंगे। टारगेट हमारा सेट कर दिया गया, तो पहला शॉट PX-100 से। HNN स्पोर्ट्स के हॉर्नेट 4.5 mm, 0.177 कैलिबर, और ये मैं सिंगल शॉट ही लगाऊंगा इसमें, बिना मैगजीन डाले। सेफ्टी हटा लेते हैं। ये मुझे थोड़ा काफ़ी चैलेंजिंग लगता है ये काम, सिंगल शॉट। एक्चुअल में मैगजीन में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो अभी हम सिंगल शॉट से ही शूट करेंगे बुक के ऊपर PX-100 से। तो सबसे टॉप में हम शूट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो पैलेट हिट हो चुका है, तो अब शुरू करते हैं दूसरी एयरगन से। मेक श्योर फ्रेंड्स, आप कोई भी एयरगन बाय करें तो एक ऐसा कवर ज़रूर लें, क्योंकि जो हमारी एयरगन होती है उसमें रस्ट बहुत जल्दी लग जाता है, अगर जो आप रूम टेम्परेचर में उसको रखते हो, या कहीं जैसे जब भी आप यूज़ करते हो अपने गीले स्वेट वाले हाथ लगते हैं उस पर। तो ये सेकंड जोन सी एयरगन है वो है हमारी ओरियन की 0.177 कैलिबर, स्प्रिंगर है ये, और इस पर अब हम शूट करेंगे HNN स्पोर्ट्स के हॉर्नेट पैलेट्स के साथ। जैसा कि ब्रेक बैरल है तो इसमें एक बारी में एक ही पैलेट लोड होता है, आप सबको शायद मालूम ही है, पर जो मेरे कुछ नए भाई हैं जो वीडियो देखते हैं, बहुतों को ये डाउट क्लियर नहीं होता कि ब्रेक बैरल क्या होती है और स्प्रिंगर कौन सी होती है और नाइट्रो पिस्टन कौन सी होती है। तो उनकी नॉलेज के लिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि ये स्प्रिंगर है, ओरियन की एयरगन है, तीनों एयरगन मेड इन इंडिया हैं और 0.177 कैलिबर की। तो अब मैं जो शूट कर रहा हूँ वो नंबर टू पे कर रहा हूँ ओरियन की एयरगन से।
टारगेट से थोड़ा सा साइड में लगा है, क्योंकि एग्जैक्टली ये स्कोप मैंने प्रॉपर ज़ीरो नहीं किया और काफ़ी दिन बाद मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, बट फिर भी ये सेंटर में लग चुका है। तो अब करते हैं हम अपनी अगली एयरगन जो कि नाइट्रो पिस्टन है। इसको करते हैं साइड में। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, अपने इंडिया में सबसे फेमस एयरगन है NX200 एथीना ब्रेक बैरल नाइट्रो पिस्टन। बहुत ही सॉफ्ट कॉकिंग है इसकी और बहुत ही एक्यूरेट एयरगन है, जैसे कि पैलेट मैंने इसमें लोड कर लिया है। और सबसे नीचे वाले टारगेट पे अब हम शूट कर रहे हैं। ये हिट हो चुका है, पर मैं एक और पैलेट इसमें लोड कर लूँ क्योंकि मैंने प्रॉपर जूम नहीं किया था इसको, और लगा तो उसी पे ही है बुक पे, बट एग्जैक्ट मैं टारगेट ले नहीं पाया, बट फाइन ये लग चुका है, थोड़ा उसके नज़दीक ही लगा है बट प्रॉपर एग्जैक्ट बुलजाई में नहीं लगा। तो अब हम देखते हैं कि किसने कितना पेनिट्रेट किया है। तो इसको मैं थोड़ा ड्राई फायर ना करके, इसमें पैलेट लोड है तो मैं इसको फायर कर लेता हूँ और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आया है। तीनों एयरगन्स में से किसने ज़्यादा पेनिट्रेट किया है विद H&N स्पोर्ट्स के हॉर्नेट पैलेट्स के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं तीनों एयरगन्स से जो शूट हुई है, PX100 की थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है, बाकियों के थोड़े स्कोप प्रॉपर ज़ीरो नहीं थे। तो ये देखिए, ये है ओरियन का, ये है PX100 और ये है NX200 का। खैर इस बुक पे किसी ने पेनिट्रेट नहीं किया है, तो ये तो बिल्कुल सही है, एकदम सेफ है। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन किसकी है, ये PX100 का देखते हैं सबसे पहले। ये देख सकते हैं आप, ओह तो ये देखिए फ्रेंड्स, पेज नंबर 203 और ये हमारा हॉर्नेट का पैलेट है, जिसकी कि आप शेप देख सकते हैं कुछ ऐसी हो गई है चलने के बाद, शायद आप कैमरे में देख पा रहे हो, पर इसकी टिप का कुछ नहीं बिगड़ा, ये आगे से बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी है। इसको साइड में फेंकते हैं। बाकी जो इसकी पेनिट्रेशन है फ्रेंड्स, वो हमारी आप देख सकते हैं, अराउंड 307 पेजेस तक ये देखिए इसने पेनिट्रेट किया है, यहाँ से ये फटा हुआ है। थोड़ा और आगे चलते हैं, मतलब कि जो लास्ट इसकी पेनिट्रेशन है यहाँ पे, बस ये आके सिर्फ एक थोड़ा सा डेंट सा दिख रहा है। 334 पेजेस तक इसने मतलब कि पूरा इसका पैलेट गया है। और जो नेक्स्ट है वो है ओरियन की, तो अब ओरियन का देखते हैं हम फ्रेंड्स। ये ओरियन का पैलेट है और ये यहाँ से पैलेट दिख रहा है, आप देख पाएंगे, और पेज नंबर है 103। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ओरियन का पैलेट 149 पे ये पैलेट मिल गया। ज़रा पैलेट का देखते हैं क्या हाल हुआ है। ये देखिए पैलेट की कुछ ऐसी कंडीशन हो चुकी है, बट आगे की जो हॉर्नेट की टिप है वो पीतल की होती है, आई थिंक पता नहीं किस मटेरियल की है, बहुत ही ज़बरदस्त टिप है इसकी। तो इसने जो मैक्सिमम डेंट किया है
यहाँ पे भी इसमें डेंट आ रखा है, बस मतलब कि यहाँ पे ये बिल्कुल एक तरह से ख़त्म ही हो चुका है। अब मान के चलें कि रफली इसने, और इनने कोई पेनिट्रेट जो कर पाई है वो 200 पेजेस तक इसने पेनिट्रेट किया। ये यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये फटा हुआ है थोड़ा सा, इधर शायद आप कैमरे में देख पा रहे होंगे, इधर तक, मतलब कि लास्ट जो बिल्कुल इसका ओरियन का जो डेंट आ रहा है वो बस 223 पेजेस तक है। और नेक्स्ट जोन सी हमारी NX200 एथीना विद हॉर्नेट पैलेट्स, तो अब इसका देखते हैं क्या रिजल्ट आया है इसका। पैलेट तो अभी तक दिखा नहीं, शायद काफ़ी आगे है पैलेट, यहाँ भी नहीं है पेज नंबर 95। और ये देखिए फ्रेंड्स, 119 नंबर पेज है और यहाँ पे ये हमें पैलेट इसका देखने को मिल गया। थोड़ा और आगे चलते हैं ताकि ये इजीली, हाँ ये रहा, कहाँ गया, आई थिंक गिर गया, नहीं तो मैं भी पैलेट ड्रॉप हो गया, यहीं गिर गया। तो मैक्सिमम जो साहब NX200 की जो पेनिट्रेशन आई है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये यहाँ पे गिरा है भी पैलेट इसका, ये देखिए, ये इसके पैलेट की हालत है कुछ NX200 एथीना की। फ्रंट टिप का कुछ नहीं बिगड़ा है, बट साइडें थोड़ी डेंट हो गई हैं, और ये NX200 का भी पेनिट्रेशन चल ही रही है। बहुत से फ्रेंड्स की क्वेरी आती है कि कौन सी पावरफुल एयरगन है, NX200 की पावर कैसी है, तो आप देख सकते हैं आज आपके सामने कि यहाँ पे भी ये पेज आप देखेंगे ये फटा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे भी, और ये 241 के करीब है, और यहाँ पे ओरियन का कोई नामो निशान भी नहीं है। तो जो डेंट इसका किया है फ्रेंड्स, वो मतलब कि आप मान के चलें सिर्फ 240 पेजेस तक ही इसने डेंट किया है, 240 तक भी आप ये देखें, इसमें ये थोड़ा सा एक कट हुआ है। मतलब कि सबसे जो पावरफुल जो आज के टेस्ट में जो हमारी रही वो है, अब ये देखिए, जैसे कि PX100 अभी भी सबसे ज़्यादा आगे है। तो जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, ये प्रॉपर स्कोप मेरा ज़ीरो नहीं था, तो थोड़ा एक रफली आइडिया था, क्योंकि ये पावर टेस्ट था, कोई एक्यूरेसी वाला टेस्ट नहीं था, क्योंकि बहुत से दोस्त मेरे कमेंट करेंगे कि बहुत ही घटिया निशाना है आपका, और कुछ ऐसे कमेंट्स मेरे को बहुत सुनने को मिलते हैं, बट ये प्रॉपर स्कोप मेरा ज़ीरो नहीं था, पर फिर भी हमने पावर टेस्ट का जो आज वीडियो था मेन, तो सबसे जो विनिंग में है वो PX100 है। 343 पेजेस इसने टोटल इस बुक के पेनिट्रेट किए हैं, और नंबर टू पे जो सी है वो NX200 है, 240 पेजेस इसने पेनिट्रेट किए हैं, और जो ओरियन है वो 200 पेजेस पे ही आके इसका पैलेट रुक गया। तो नंबर थ्री पे है ओरियन, तो स्प्रिंगर है, तो नंबर वन पे जो PX100 जो PCP है, और NX200 जो नाइट्रो पिस्टन है, और ओरियन जो सी स्प्रिंगर है। तो इन सब का आज मैंने तीनों का आपको पावर टेस्ट का वीडियो दिखाया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो विनिंग है वो PX100 है। तो दैट मीन PX100 काफ़ी पावरफुल एयर गन है, PCP है। तो जिन भाइयों का अगर जो बजट ज़्यादा है थोड़ा, मतलब कि अराउंड 30,000 तक जो स्पेंड कर सकते हैं एक एयर गन पे, तो वो PCP ही बाय करें, वो ज़्यादा अच्छी है। और जैसे जिनका बजट बिलो 15,000 है, 15,000 से नीचे जिसने स्पेंड करने हैं, वो अपना NX200 एथीना बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, 13,000 के रेंज में ये मिल जाती है। बाकी ओरियन की है जो उनसे 10,000 से कम रेंज में है, और ये 10,000 के हिसाब से इतनी पेनिट्रेशन के साथ और वुडन स्टॉक के साथ काफ़ी अच्छी एयरगन है। मतलब कि जिन भाइयों का बजट 10,000 से नीचे है तो वो ओरियन को प्रेफर कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। स्प्रिंगर है जो कि इसमें मेंटेनेंस भी कम होती है, जिसमें स्प्रिंगर में एक टाइम के बाद एक स्प्रिंग ही चेंज होता है, और बाकी एयरगन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और जो नाइट्रो पिस्टन है उसमें थोड़ा सा, जेकर कभी आपका नाइट्रो पिस्टन जैसे कि डाउन हो जाता है या उसकी पावर कम हो जाती है, तो वो पूरा आपको 3,500 का खर्चा उस पर पड़ता है।
और PX100 है जो सी, इसमें सिर्फ आपको ओरिंग वगैरह चेंज करने होते हैं इसके, वो भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद आप इसको मतलब कि कंपनी से या कहीं से भी इसके ओरिंग की सील आती है, वही आप मान के चलें 1200-1000 रुपये तक की इसकी ओरिंग्स आती हैं। कई लोग इसको घर पे भी चेंज कर लेते हैं, बाकी आप अपने नियरेस्ट गन शॉप पे या जो कि प्रेसी हॉल में भी आप इसको भेज के वो भी चेंज करा सकते हैं। तो ये तीनों का मेरा आज वीडियो था पावर टेस्ट पे, तो वीडियो कैसा लगा आपको तो कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ और भी बहुत से अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं जो कि ऑन द वे हैं और आपके सामने आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, बाय।